सिद्धार्थनगर नुक्कड़ सभा में बीजेपी नेता व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश ओझा का विवादित बयान हो रहा वायरल। जाति विशेष को गुंडे, मवाली, माफिया, आतंकी जैसे शब्दों का प्रयोग कर दे रहे हैं भाषण। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने जैसे भाषण देने में हमेशा चर्चाओं में रहते हैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश ओझा। माननीय उच्चतम न्यायालय व चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बाद भी अपने बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे लवकुश ओझा। बीजेपी प्रत्याशी बीना देवी के पक्ष में नुक्कड़ सभा में विवादित भाषण देने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। नगर पंचायत डुमरियागंज के बेदौला गढ़ चौराहे पर कल आयोजित नुक्कड़ सभा का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। के पूर्व आप याद करिएगा, ये वही डुमरियागंज है जहां आतंकियों का अड्डा बन चुका था। इस क्षेत्र में भूमाफियाओं का कब्जा हो गया था। इस क्षेत्र में पूरे वाहनों का, चोरी वाहनों का पूरा भूमंडल बना लिया गया था। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, यही बैदौलागढ़ चौराहा है, यही चाहे बडिलिया के हो, हल्लौर के हो, जितने भी गुंडा माफिया थे यहाँ आतंकवाद का क्षेत्र खड़ा कर दिए थे। यहाँ पर सब्जी बेचने वाले छोटे छोटे किराना छोटे व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का कार्य करते थे। लेकिन 2017 में राघवेंद्र सिंह जी के आने के बाद वो जो माफिया थे बडिलिया और हल्लौर के, वो चूहे के बिल में घुस गए और उन्हें दूरबीन से भी आप लगा करके खोजोगे तो दूरबीन से भी खोजोगे तो दिखाई देने वाले नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।